बालू और जमीन के मामले में पिछले दिनों ईडी के द्वारा की गई छापेमारी के बाद अब मामले में पूछताछ और साक्ष्यों को इकट्ठा कर उनकी कड़ियों को जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए ईडी की टीम एक्टिव है और इसे लेकर ही ईडी दफ्तर में काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है। ईडी ने समन भेजकर 4 मार्च को अंबा प्रसाद को आने के लिए कहा था, लेकिन दोपहर के 12:30 बजे तक बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ईडी दफ्तर नहीं पहुंची। वहीं तुपुदाना ओपी के पूर्व प्रभारी मीरा सिंह 10:45 में ईडी दफ्तर पहुंची। आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च को तत्कालीन तुपुदाना ओपी प्रभारी मीरा सिंह और उसके करीबी मोहित नाथ शाहदेव के ठिकानों पर छापा मारा था, जहां मीरा के घर से एक डायरी और 8 मोबाइल फोन जब्त किया गया था। दूसरी ओर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से आज फिर से एक बार ईडी के रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ की जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले सरकार में उनके ऊपर हुए सारे केस का डिटेल ईडी के अधिकारियों ने मांगा है। उन्होंने इस जांच को सही बताया है और कहा कि जांच सही दिशा में जा रही है। रंगदारी और अवैध कब्जा जैसे विषय पर उन्होंने कहा कि मेरा या मेरे परिवार का इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। इससे मैंने आग्रह किया हूं ईडी के हम अधिकारियों से कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना मैं कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी एनआईए सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंबा जी आ रही हैं आज? नहीं, अंबा जी थोड़ा समय ले ली हैं और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेगी। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या वो पूछताछ में सारा चीज मतलब आया है, जितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में सब सारा चीज बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। बाकी क्या चीज आरोप लगे हैं? क्या आरोप कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं है, गलत चीज है ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार, हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है, व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और रिफैक्ट्रियां हैं, तो ये सब सारा चीज़ है, तो सब लीगल वेब में है। आपकी पत्नी कह रही थी कि राजनीति ने बर्बाद कर दिया। इन हम ईडी के अधिकारियों को बोलेंगे कार्रवाई कीजिए जो ऐसे अधिकारी। चुनाव का समय आ गया, इस वजह से परेशान किया जा रहा है या फिर? देखिए ये सब चीज़ ना हम नहीं मानते हैं। चुनाव के समय परेशान किया जाता है ये नहीं है। कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया, गलत इम्पैक्ट या इनपुट दिया गया है, जिसके चलते ये दिया गया, तो निश्चित रूप से जांच में हम लोग क्लीन चिट, निश्चित रूप में अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें निश्चित रूप से हम लोग क्लीन चिट होंगे। सब तो हमारा देश का एक एसेट है और ऐसे एसेट अगर मेरे मामले को जांच करता है इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकता है। इस चलते हम चाहेंगे कि मेरा जितना मामला है सब जांच करके हमको दूध का दूध और पानी पानी कर दें।